गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं किंजल और मेरी चैनल पे आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं जेड की क्या कलेक्शन। सबसे पहले तो बता दूं कि ये जो है वो मैंने अभी ब्राइडल ज्वेलरी का हॉल शूट किया था तो उसके लिए रेडी हुई थी, और ये जो है वो सारे उसमें है। ये जो है सारे ब्राइडल ज्वेलरी का कलेक्शन है जो मैंने पहना हुआ है वो। तो अगर आप देखना चाहते हो तो वो वाले हॉल्स में आप देख सकते हो। और ये जो लुक मैंने क्रिएट किया है वो दुर्गा पूजा के लिए किया है, तो वो भी वही वीडियो में है। अगर आप देखने में इंटरेस्टेड है तो जाके देख सकते हो। ये वाली साड़ी पहनी है, ये जो है वो मेरी पर्सनली फेवरेट है। और इसका भी मैंने, ये जो साड़ी पहनी है मैंने फ्लिपकार्ट से ली है, इसका भी मैंने ऑलरेडी हॉल किया है, तो आप जाके मेरे चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। अब हमारे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, हो सके इतना शेयर कीजिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बाजू में जो बेल आइकन होता है उसे दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिले और आप मेरा वीडियो सबसे पहले देख पाए। जेडकी का कलेक्शन अमेजिंग होता है। अब तक मैंने बहुत सारे जेडकी के हॉल्स किए हैं, आप मेरी चैनल पर जाके चेकआउट कर सकते हैं। और दूसरी बात कि ये जो है सारों की बाइंग लिंक भी आपको मिल जाएगी। इसमें सारा कलेक्शन है, एक नहीं बहुत सारी साड़ियां है। बनारसी सिल्क भी है, हैवी भी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो है वो रेड कलर की है, आप जैसे देख रहे हो वैसे ही मरून कलर की है, नॉट रेड कलर बट मरून कलर की है। इस तरह की है, आप क्लोजअप में देखो। इसके अंदर ऐसी प्रिंट है जैसे आप देख रहे हो वैसे। मैं आपको पूरी खोल के दिखाती हूँ ताकि आपको अच्छे से पता चले। सबसे पहले हम पल्लू से स्टार्ट करेंगे। तो ये जो है वो उसका पल्लू है, जैसे आप देख रहे हो वैसे ही। आप क्लोजअप में देखो, गोल्डन कलर का जाली जाली जैसा थ्रेड वर्क किया गया है और रेड कलर के रोज है यहाँ पे, जैसे आप देख रहे हो वैसे ही। और पूरे पल्लू में चारों तरफ इस तरह का ही बॉर्डर है, मतलब की वर्क की गई ऐसी बॉर्डर है, गोल्डन बॉर्डर लगाई है पीछे से, इस तरह की लगती है। और इस ये जो है वो नेट टाइप का है, बट नेट नहीं है, आप देखो ट्रांसपेरेंट है, नेट टाइप का हम बोल सकते हैं, लेकिन ये नेट वाला नहीं है। तो ये इसका पल्लू है, बहुत ही प्यारा है। उसके बाद अब ऊपर से नीचे तक देखो, इस तरह का है, अच्छी है। लेकिन ये वाला फैब्रिक मुझे कम पसंद आया है। ये जो है थोड़ा चमकीला भी है, थोड़ा शाइन वाला भी है, और ट्रांसपेरेंट तो ठीक है साड़ी में होता ही है, लेकिन ये और ऑल ओवर ये जो है वो प्लेन साड़ी है, जैसे आप देख रहे हो वैसे ही। चारों तरफ ऐसे सिर्फ बॉर्डर ही लगाई गई है, अदरवाइज ऑल ओवर ये प्लेन है। तो आप छोटे मोटे फंक्शन के लिए इसको ले सकते हो। नीचे आएगी, नीचे ये बॉर्डर आएगी प्लेट्स में, जब आप प्लेट्स लोगे तो नीचे ये बॉर्डर आएगी तो चलता है, अदरवाइज पूरी प्लेन है। तो जिनको बहुत हैवी वर्क नहीं पसंद है वो लोगों के लिए ये टाइप की जो साड़ी है वो बहुत ही अच्छी है। ये जो है वो साड़ी जो है मैंने यहाँ पे पिन लगाई है गाइस, लेकिन पिन आज पता नहीं तीन बार चार बार मैंने ट्राई किया लेकिन पिन जा ही नहीं रही थी, वो क्यों पता नहीं, तो ऐसे लगाई है तो बार बार नीचे आ रहा है। ब्लाउज पीस की बात करते तो इसका ब्लाउज पीस जो है वो बहुत ही प्यारा है। ये जो है आई थिंक इसके अंदर सांतून मटेरियल का जो है वो लाइनिंग कुछ दिया है, ये वाला जो है वो लाइनिंग वगैरह। इस ये आप इसका स्कर्ट बनवा के भी ये साड़ी में पहन सकते हो, तो आपको अलग से स्कर्ट लेना नहीं पड़ेगा। ये टाइप का है, और ऐसी ट्रांसपेरेंट साड़ीज जो होती है उसमें इस टाइप का ही स्कर्ट चाहिए होता है, कॉटन का नहीं पहन सकते हैं, नहीं अच्छा लगता है। ब्लाउज पीस की बात करते हैं, बिंदी गिर गई। ब्लाउज पीस की बात करते हैं तो ब्लाउज पीस इस तरह का है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो पूरा हैवी है, ये रेड कलर का है, ये इसका नेक आप जैसे देख रहे हो, और गोल्डन वर्क किया गया है इसमें। पीछे का देखोगे तो पीछे भी सेम ऐसा ही दिया है, मतलब कि ऑल ओवर हैवी है, बैक साइड एंड फ्रंट साइड दोनों में सेम टू सेम वर्क दिया गया है, तो पूरा जो ब्लाउज है वो आपका हैवी हो जाएगा। तो डेफिनेटली आप ले सकते हो, मुझे ब्लाउज ज्यादा पसंद आया कम्पेयर टू साड़ी। और ये जो है वो ब्लाउज वो स्लीव में डालने के लिए दिया गया है, आप जैसे देख रहे हो वैसे। ये वाला जो वर्क है फैब्रिक, इसका स्लीव वाला जो फैब्रिक है वो साड़ी का जो फैब्रिक है वो इस फैब्रिक है, और इसके अंदर गोल्डन थ्रेड वर्क है आप जैसे देख रहे हो। तो ये एक स्लीव में आएगा, ये दूसरे स्लीव में आएगा, इस तरह का है, ये उल्टा है, इस साइड से सीधा है।
इस तरह का, ये गोल्डन कलर का, ये पूरा आप क्लोजअप में देखो। तो मुझे ब्लाउज पीस ज्यादा पसंद आया है साड़ी की कंपैरिजन में। उसके बाद दूसरी जो साड़ी है वो बहुत ही प्यारी है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। अगर आप वेडिंग के लिए लेना चाहते हो तो आप डेफिनेटली ले सकते हो, वो टाइप की है, पसंद आई है मुझे। इसका पीक भी अच्छा था और रियल में भी ये इतनी ही अच्छी है। मैं आपको खोल के दिखाती हूँ पूरी। ये जो है वो उसका पल्लू है, मिरर वर्क है, रियल मिरर वर्क वाली जो बॉर्डर आती है वो लगाई गई है। मिरर वर्क किया नहीं गया है, मिरर वर्क वाली जो बॉर्डर आती है गाइस देखो वो लगाई गई है। ये पीच सॉरी पीच कलर की, लाइट पिंक कलर की बोल सकते हैं, वो टाइप की है, लाइट पिंक नहीं, ये पीच कलर ही है पूरा। तो ऐसी बॉर्डर है, इसकी वजह से गेटअप अच्छा आता है। आप देखो पल्लू इसकी वजह से हैवी लगता है, सिंपल सोबर भी लगता है और हैवी भी लगता है। बीच में से पूरी प्लेन है, देखो मैं लगाती हूँ, बहुत ही प्यारी लगेगी। अगर आप ये पहनोगे तो बहुत ही अच्छी लगेगी। चारों तरफ ऐसी बॉर्डर है और बीच में से ये प्लेन ही है। देखो यार अगेन ये फैन ऑफ है, पसीना आ रहा है तो इसकी वजह से बार बार बिंदी जो है वो गिर रही है, क्या करूं। ये वाली जो बॉर्डर है नीचे वाली, ये प्लेट्स में आएगी जब आप साड़ी पहनोगे तब। तो मतलब कि ऑल ओवर देखा जाए तो ये पूरी प्लेन है, ठीक है, और बस चारों तरफ ऐसी मिरर वाली बॉर्डर लगाई गई है। अब इसका ब्लाउज पीस देख लेते हैं। ब्लाउज पीस बहुत ही प्यारा है, बहुत ही अच्छा है, आप डेफिनेटली इसको ले सकते हो, वो टाइप की है, मुझे पसंद आई है। इसका फैब्रिक भी बहुत ही अच्छा है, बहुत सॉफ्ट है, बहुत अच्छा है। ट्रांसपेरेंट का जिनको प्रॉब्लम है वो भी नहीं आएगा इसमें। ये देखो इसका ब्लाउज पीस है पूरा अलग कलर का है, इसकी वजह से इसका लुक ज्यादा अच्छा आता है, डिजाइनर लगता है, कॉन्ट्रास्ट होता है। तो ये ब्लाउज पीस है, मैं उसके नेक से दिखाती हूँ आप। ये देखो इस तरह का ये फ्रंट साइड में आएगा, जो पूरा वर्क वाला हैवी है वो फ्रंट साइड में आएगा। क्लोजअप में देखो इस तरह का वर्क किया गया है, बहुत ही प्यारा है। ब्लाउज का फैब्रिक भी सेम ही है जो साड़ी का फैब्रिक है, इस तरह का लगेगा, बहुत प्यारा है। ये जो है वो स्लीव में आएगा, ये वाला आप देख रहे हो, ये वाला ये स्लीव में आएगा, ये एक साइड की स्लीव है और ये देखोगे तो ये दूसरे साइड की स्लीव है। फ्रंट साइड में ही है, बैक साइड का नहीं है, तो बैक साइड प्लेन रहेगी, फ्रंट साइड में इस तरह का आएगा। मस्ट बाय, आप डेफिनेटली ये वाली साड़ी ले सकते हो। ये मरून वाली जो है वो मुझे थोड़ी सी कम पसंद आई थी और ये वाली बहुत ही अच्छी है। उसके बाद है वो सिंपल सोबर है और सिल्क की साड़ी है, तो मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। इसका पिक मुझे बहुत पसंद आया था, पूरी खोल लेती हूँ और हम पल्लू से ही स्टार्ट करते हैं। मैंने खोला नहीं है, जनरली मैं आपके सामने ही ओपन करती हूँ, मैंने पहले खोला ही नहीं होता है। इसका पल्लू देखो आप इस तरह का है, ये मल्टी कलर बोल सकते हैं, वो टाइप का हर कलर है इसमें, रेड है, ऑरेंज है, ग्रीन है, ब्लू है, पिंक है, सो मल्टी कलर बोल सकते हैं, वो टाइप का है इसका पल्लू जो आप देख रहे हो, वो इस तरह का है पूरा पल्लू। अच्छा है, मुझे पसंद आया, अच्छा है पल्लू, पहनने के बाद ज्यादा अच्छा लगेगा। साड़ी भी प्लेन है लेकिन बहुत अच्छी है। यहाँ पे देखोगे तो ऐसी तीन कलर की बॉर्डर आएगी, ये गोल्डन बॉर्डर है, ये जो है वो रानी पिंक कलर है। नीचे देखोगे तो प्लेट्स में ये जो है बहुत ही चौड़ी ब्रॉड वाली बॉर्डर नीचे आएगी प्लेट्स में, जिसकी वजह से इसका लुक हैवी दिखेगा और अच्छा दिखेगा। और ये जो है वो सॉफ्ट वाला सिल्क है, वो चुभने वाला सिल्क नहीं है, क्वालिटी अच्छी है और फूला फूला टाइप का नहीं रहेगा अगर आप पहनोगे तब। तो आप मोटे भी नहीं दिखोगे, जनरली सिल्क वाले फैब्रिक में ऐसा होता है कि हम फूले फूले लगते हैं, ज्यादा हम मोटे लगते हैं, तो ऐसा इसमें नहीं लगेगा। तो इस तरह का है, ऑल ओवर प्लेन है और चार ऊपर वाले में ऐसी छोटी बॉर्डर है और नीचे वाले में ऐसी ब्रॉड बॉर्डर है, अदरवाइज पूरा जो है वो प्लेन है। उसके बाद ब्लाउज पीस की बात करते हैं हम, तो ब्लाउज पीस में ऐसा है सेम यहाँ पे बॉर्डर है, ये वाली देख रहे हो ग्रीन एंड मरून एंड ऑरेंज वाली और स्काई ब्लू कलर या डार्क ब्लू या रॉयल ब्लू कलर का जो बोलते हैं वो ब्लाउज पीस है। और नीचे इसमें भी ऐसी ही बॉर्डर है,
तो अभी इसमें क्या करना है आपको, अपने अकॉर्डिंग आप करवा सकते हो। मैं ऐसा सजेशन दूंगी आपको, ये जो है वो आप स्लीव वगैरह में डलवाइए तो ज्यादा अच्छा लगेगा। और ये छोटी छोटी जो है वो यहाँ पे, मतलब कि यहाँ पे या यहाँ पे आपको जैसा चाहिए वैसे आप डलवा सकते हो तो ज्यादा अच्छा लगेगा, ऐसा मेरा सजेशन है। अब फिर आपको जैसी पैटर्न चाहिए वैसी आप करवा सकते हो। तो ये पिंक वाली भी अच्छी है, ये पीच वाली जो है वो भी अच्छी है, मरून वाली का 50-50 है, मुझे इतनी पसंद नहीं आई, बाकी ये दोनों बहुत अच्छी है, तो आप डेफिनेटली बाय कर सकते हो। और वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। गाइस आपको कौन सी वाली सबसे ज्यादा पसंद आई वो भी मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। टिल देन डाटा बाय बाय एंड टेक केयर ऑल।